सत्र का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, जस्टिस अरुण टंडन हमारे साथ हैं। और जी जरूर जरूर, कुछ मैं ज्यादा जल्दी कर रहा था, मुझे 11 से 12 का समय दिया गया था, मैंने 1 बजे एक और मीटिंग अपनी रखी थी, इसलिए क्षमा चाहूंगा अगर किसी को ये लगता हो कि मेरे पीछे सब चीजें जल्दी हो रही हैं। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और हमारे जो मॉडरेटर हैं उन्होंने कहा कि इलाहाबाद वालों को सौभाग्य समझना चाहिए कि कुंभ आ रहा है, वी टेक प्राइड इन कुंभ। और बड़ा दुख इस बात का होता है कि 13 में कुंभ होके चला गया महाकुंभ, 13 से 18 तक कोई बातचीत नहीं करी हमने संगम के बारे में, गंगा के बारे में, और फिर कुंभ आ गया तो फिर से सब इकट्ठा हो गए, टॉकिंग ऑल दैट वी नो, जो भी हमने जाना उसी को बस बताने लगते, लगता यही बस कुंभ है और बाकी कुछ हुआ नहीं। मैंने कुंभ को बहुत छोटा सा समझा है, और इतना ही समझा है कि हिंदुस्तान का गरीब आदमी कुंभ में आता है इस विश्वास के साथ आता है कि कभी अमृत की बूंद गिरेगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हिस्ट्री न ज्योग्राफी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो बस इतना ही कहूंगा कि जैसे अभी हरजोत सिंह साहब ने कहा कि कुछ लोग विशेष आते हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम करना पड़ता है, बंद कर दीजिए। अगर ईमानदारी से इस देश को चलाना है तो बंद कर दीजिए VIP सेवा, और आप देखिएगा कि कुंभ आज से अच्छा कभी नहीं होगा। जिस दिन आप ये तय कर देंगे कि लाल बत्ती की गाड़ी को कुंभ एरिया के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री, पर हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन कहना आसान है कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है हमको कि पीछे भागते हैं सब। हमने जो अच्छी चीजें हैं, ये कुंभ का आयोजन, ये पब्लिक का पैसा 3000 करोड़ किसके लिए आ रहा है, गरीब आदमी के लिए, ये आलीशान पंडाल बनाने के लिए जिसमें एयर कंडीशनर लगेंगे और वाटर हीटर लगेंगे। लेट अस थिंक इट ओवर, ये टाइम है देश को सोचने का। बंद करिए VIP कल्चर को, बंद करिए जिनको आप फ्री लाइट देते हैं, फ्री पंडाल देते हैं, क्यों देते हैं भाई, ये गरीब आदमी का पैसा है। सड़क बनाइए, परमानेंट सड़क बनाइए कुंभ के लिए, उसको क्या तीन घंटा चक्कर लगा देंगे, बेड़ी जैसे जिसे जानवर चलता है उसे चला देते हैं, गरीबों को चला के दिखाइए VIP को, अगर आपकी हिम्मत है कि 3 घंटा वो राउंड लेके तब जाएगा ना। गुड प्रबंधन करें और गुड गवर्नेंस का बहुत छोटा सा सवाल सीखा है मैंने लॉ में, ऑल दैट इज गुड फॉर पब्लिक एट लार्ज इज गुड गवर्नेंस। कुछ भी जो गरीब आदमी के लिए गुड है वही गुड गवर्नेंस है, और प्लानिंग भी वही गुड है जो इस देश के गरीब के लिए कुछ कर सके। दो बात और कहूँगा गंगा से संबंधित, क्योंकि गंगा से संबंधित मुकदमा सुना है मैंने, और जब सुना है तो कोर्ट में लगा कि आंसू बही जाने चाहिए वरना ये देश बचेगा नहीं। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी नगर निगम अपना गंदे नाले का पानी गंगा में नहीं डालेंगे बिना ट्रीटमेंट के। 85 से 2018 में खड़े हैं हम लोग, एक नगर निगम देश ही नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट से लेके भारत सरकार के से लेके स्टेट गवर्नमेंट किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। कारण केवल इतना है कि हर वर्ष या हर 6 साल में 3000 करोड़ गरीब का पैसा हम बहा देंगे गंगा में। एक जनों ने कहा गंगा को साफ करना तो उसमें ऑक्सीजन घोल दीजिए, तो बस ऐसे ही देश चलेगा। एक कहानी बताते थे हमको लोग कि पैसा मिलता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया कि कहा, उनसे पूछा कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा मैंने कछुए डलवा दिए गंगा में जिससे गंगा की सफाई हो सके। तो पूछे कितने कछुए डलवाए और कहाँ गए, तो कहा वो तो भारत की खाड़ी में मिल गए, कहाँ गए मुझे पता नहीं। तो ये मनस्थिति है हम भारतीयों की, वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू एंड व्हाट वी वांट टू अचीव। ये क्या 3000 खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मैं फिर से यहाँ से निवेदन करूँगा बंद करिए VIP कल्चर को। और गंगा के बारे में जो बता रहा था कि इलाहाबाद शहर से 650 MLD का मतलब जानते हो कि मिलियन लीटर डेली गंदा नाले का पानी गंगा में गिरता है, और एक भी STP आप अगर बरसात में चलेंगे एक भी STP चलता हुआ नहीं पाएंगे। यमुना ब्रिज के बगल से पाइप गंदे नाले का जाता है, पंपिंग स्टेशन इस तरफ लगा है, उधर जाता है नैनी की तरफ, उसकी हालत चल के देख लीजिए,
दुख आ जाए। तो मेहरबानी करके अगर कुंभ को बनाना है और अमृत की वर्षा करानी है तो इन सब चीजों पे विचार करें, एसटीपी चालू करें। सीवेज फार्म था एकड़ों में, उसको बंद कर दिया ये कह के कि सीवेज फार्म होता जहां गंदा पानी जाता था, पानी बैठ जाता, गंदगी ऊपर रह जाती थी, ये कह के कि हमने एसटीपी लगा दिया है। एसटीपी चलता नहीं है, जो पहले होता था वो भी होना बंद हो गया। अब क्या साधन है? ये गंगा माता की कृपा है कि हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में सब गंदगी बहा ले जाती, वरना ये नाला हो जाएगी नदी, आप नहा क्या, पीना क्या, नहा भी नहीं पाएंगे। तो बस एक सवाल इस मंच से उठाना चाहता हूँ, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं जो गंगा से जुड़े हैं, बस इतना तय कर लीजिए कि गंगा नदी से नेचुरल फ्लो से कितना पानी आप निकाल सकते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी परमिटेड टू फ्लो इन इट्स नॉर्मल कोर्स। अगर ये स्टेज पे आप तय कर देंगे कि 50% से ज्यादा पानी नहीं निकलेगा गंगा से, तो मेरे ख्याल से गंगा फिर से बहाल हो जाएगी और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू ऑल अपनी बात को रखने का मौका देने के लिए, पर दुख था मुझे, मैंने कहा यही मंच है, शायद कहीं पहुंच सके मुझे की बातें। थैंक यू ऑल।